आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को नरेशन में कैसे जो होता है उसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, आज हम लोग उस पर ही चर्चा करेंगे कि क्लास आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का रहेगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो हम बोले हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है वैसा सेंटेंस जिसमें क्या होता है विश यानी इच्छा, ब्लेस यानी आशीर्वाद, कर्स यानी अभिशाप, प्रेयर माने क्या है प्रार्थना, इस सब का अगर बोध होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का भी क्या होता है कि नरेशन में हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या होता है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन का क्या होता है कि हम लोगों को प्रयोग करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको चेंज करते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस तो वैसा सेंटेंस जिसमें क्या है विश यानी इच्छा, ठीक है ना, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, कर्स यानी अभिशाप, जिसको हम शराब वराब कहते हैं, न कहते हैं कि फलना हो जाते हो चिल्लना हो जाता है जा तू सब सक्सेस नहीं करेगा है ना, फेल हो जाएगा, ये सब क्या होता है शराब की बात हो रहा है यानी अभिशाप की बात हो रहा है। प्रेयर, प्रेयर माने प्रेयर मतलब क्या होता है प्रार्थना, ठीक है। तो ये सबका बोध अगर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को नरेशन में कैसे चेंज करते हैं चलिए हम लोग देखेंगे। कि देखिए अगर आपको सवाल ये होता है कि सर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को पहचाने कैसे कि ये सेंटेंस ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस याद रखिएगा कि आपका जो शुरू होगा वो मे से शुरू होगा। क्या चीज से होगा, मे से शुरू होगा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे बेट कहता है गॉड ब्लेस हिम, ठीक है ना, मे कहता है गॉड सेव यू, ऐसा क्या है कि आपको सेंटेंस से शुरू होगा तो समझिए कि सेंटेंस आपका ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, इसका नोट्स लिख दिया क्या, रिपोर्टिंग भाव को वाक्य भाव के अनुसार अगर वाक्य भाव निकलता है 20 का तो इसको V2 में यानी विश्व में क्या करते हैं हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। प्रेयर का मतलब भाव निकलता है, प्रार्थना का भाव निकलता है तो प्रेयर लिख देते हैं, ब्लेस का भाव निकलता है तो ब्लेस लिख देते हैं, कर्स का भाव निकलता है तो कर्स लिख देते हैं, यानी उस समय क्या करते हैं हम लोग चेंज कर देते हैं वाक्य भाव के अनुसार, ठीक है। अगला क्या कर रहा है कि इसमें जो कंजंक्शन यानी क्या जो हम लोग टेंस में जो कंजंक्शन यूज करते थे दैट यानी आरबी और आरएस के जोड़ने का जो काम होता था, ठीक है ना, तो इसमें भी क्या करना है कंजंक्शन दैट का ही प्रयोग करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्या है कि इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय क्या करना होगा, मे को माइट में बदलते हैं, लेकिन मे को माइट में कब लिखते हैं, मे को कदा सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं माइट में बदल देते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे माइट लिखेंगे, ना कि मे ऊपर आएगा तो नीचे भी मे कर देंगे ऐसा बात नहीं है, जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद क्या करना है आपको माइट में चेंज करना है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो आते हैं रूल्स पर, इसका रूल्स क्या होता है, तो रूल्स ये होता है अफर्मेटिव का कि पहले आपको आरबी लिखना होगा, उसके बाद डेट लिखना होगा और उसके बाद क्या करना है कि आपको आरएस लिखना होगा। तो पहले समझना है कि आरबी क्या होता है, आरबी का मतलब रिपोर्टिंग भाव होता है, ठीक है ना। रिपोर्टिंग भाव मतलब क्या है, रिपोर्ट करना यानी किसी चीज को कहना बताना, वो क्या होता है आपका रिपोर्टिंग भाव होता है। और रिपोर्ट एंड स्पीच क्या होता है, यानी क्या होता है कोई चीज अगर कहे वो क्या कहे यानी क्या आपका स्टेटमेंट क्या रहा, ठीक है ना, तो होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। अब ये सवाल होता है कि सर अगर सेंटेंस में अगर आता है आरबी में सैड आता है, सैड जो आता है टोल्ड आता है, तो इसको कहां चेंज करेंगे, कथी में चेंज करेंगे, ठीक है ना। अगर सैड रहे, सैड टू रहे, टोल्ड रहे, अगर वाक्य क्या होता है भाव के अनुसार, रिपोर्टिंग भाव के वाक्य भाव के अनुसार अगर मान लिया जाए कि वाक्य से अगर भाव निकल रहा है क्या जिसका विश का भाव निकल रहा है, ठीक है ना, सेंटेंस से क्या निकल रहा है विश का भाव निकल रहा है, विश लिखेंगे। प्रेयर का भाव निकलना है तो प्रेयर लिखेंगे, ब्लेस का भाव निकलना है तो ब्लेस लिखेंगे, कर्ज का भाव निकलना है तो कर्ज लिखेंगे। जो जिसका भाव निकलेगा उसमें क्या करना है आपको रिपोर्टिंग भाव को चेंज कर देना। देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट है, उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देना क्या करना होगा, सबसे पहले याद रखिए ये डायरेक्ट हो गया और डायरेक्ट से क्या करते हैं इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो यहां से ये जो यहाँ कॉमा दिख रहा है ना यहाँ तक क्या है आपका आरबी हो गया, यहाँ से लेके कॉमा तक क्या होंगे आपका आरबी हो गया, यहाँ से जो इन भटक हमें घिरा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक याद रखिए इसको बोलते हैं आरएस। आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, आरबी मतलब होता है रिपोर्टिंग भाव। तो सबसे पहले नियम कहता है कि रिपोर्टिंग भाव लिखने के लिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने की बात कर रहा है तो कह रहा है कि नहीं सेंटेंस के कह रहा है रिपोर्टिंग भाव के वाक्य भाव के अनुसार क्या करना है कि आपको यहाँ पर चेंज करना है। यहाँ पर कह रहा है कि उसने उससे कहा,
ठीक है ना, यानी तुम फेल हो सकते हो। जब फेल हो जाओगे ऐसा क्या है, फेल मतलब क्या, असफल हो सकते हो। तो यहाँ पर क्या असफल होने की बात है, तो यहाँ पर ये अभिशाप देने की बात कर रहा है। भाव क्या निकल रहा है, अभिशाप यानी शराब के भाव निकल रहा है। तो शराब के भाव निकल रहा था, सैड रहा है, सैड टू रेड टू रहा है, कति में चेंज हो जाएगा, यानी कर्स में चेंज, यानी इसका भाव निकलेगा उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, ही कर्स, ही कर्स कहता है हर। ठीक है, तो आपका आरबी काम हो गया समाप्त। अब क्या करना है, लिखना होगा आपका डैड, यानी ये जो कॉमा उमा है इसको तोड़ने उड़ने का काम करता है, ये छोड़ देता है। ठीक है ना डैड, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहां से लेके यहां तक अब क्या है आपको आरएस। अब क्या कर रहा है, आरएस में जो सब्जेक्ट है इसमें क्या है आपका यू है। तो यू पता है ना आप लोग को, यूज होता है सेकेंड पर्सन होता है। तो सेकेंड पर्सन जो होता है आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब के क्या होता है, ऑब्जेक्ट और सब बदलता है यानी चेंज होता है। तो यहां से लेके यहां तक क्या है कि आपका रिपोर्टिंग भाव है। ठीक है ना, तो आगे वाला सब्जेक्ट हो गया, पीछे वाला क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यदि आपका ऑब्जेक्ट है तो किसका ऑब्जेक्ट है, ये हर, तो सी का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर क्या लिखाएगा आपका, सी लिखाएगा, क्या लिखाएगा सी। अब क्या करना है, हमने बोला है ना कि जो होता है किसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या करना है, मे को माइट में बदलना है। कब बदलना होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, माइट लिखना है। ये सब्जेक्ट तो लिख दिया, अब मे क्या करना है, माइट लिख देना है। क्या करना है, माइट लिख देना है, और फेल को क्या करना है, यहाँ पर फेल लिख देना है। इस तरीके से क्या करना है, बनाना है। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरा सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, सेंटेंस और एग्जांपल मिल रही है, पर क्या लिए कि मोहन सेड टू मी कॉमा मे यू लिव लॉन्ग, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोहन मुझसे कहा, ठीक है ना, अने जीते रहो, यानी आशीर्वाद देने की बात हो रहा है। तो यहाँ पर भाव क्या निकल रहा है, आशीर्वाद का। इस सेंड टू कद में चेंज करेंगे हम लोग, ब्लेस में चेंज करेंगे, तो इसको बढ़ाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया आपका आरबी हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया आपका आरएस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट से इंडाइट में चेंज करने के लिए क्या करना है, पहले रिपोर्टिंग भाव लिखने के लिए कर रहा है, लिख देते मोहन, क्या चीज का भाव निकल रहा है, ब्लेस का यानी आशीर्वाद का। तो लिखेंगे यहाँ पर ब्लेस, ठीक है ना, मी हो गया। अब उसका क्या करना है आपको, डैट लिखना है, यहाँ पर डैट लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं आरएस में, आरएस यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो आरएस में सब्जेक्ट कहती है आपका यू है, यू कौन सा पर्सन होता है, तो सेकेंड पर्सन होता है। किसको से बदलता है, तो आरबी के यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है आपका, मी है। ठीक है ना, मी किसका ऑब्जेक्ट होता है, तो आई का। यहाँ पर क्या लिखाएगा आपका, आई लिखाएगा। अब बताए हैं कि सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, मे को माई में बदल देना है, मे है ना, इसको माई में बदल दीजिए। यहाँ पर देखते माई भी लिख देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, लिव लॉन्ग है, लिव लॉन्ग यहाँ पर क्या करना है आपको, उतार देना है। ठीक है ना, इस तरीका से बनाना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से एक सेंटेंस आप लोगों को देते हैं, क्या है कि मीना सेड टू मी पता मोहन मे यू नॉट गेट सक्सेस। ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप समझे कि नहीं समझे, तो आप लोग कमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।